हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे ये द डर्माको का 10% नियासिनेमाइड फेस सीरम। ये सीरम स्पेशली एक्नी पिंपल्स वाले स्किन के लिए बनाया गया है। अगर आपके फेस पे गड्ढे हैं, पिंपल्स हैं, बहुत सारे स्पॉट हो गए हैं, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, मेरी जो फ्रेंड है उसको ये प्रॉब्लम है और वो ये सीरम एक सप्ताह से यूज़ कर रही है। तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ बिना कोई स्पॉन्सर का, सच में। और वो इसे ना डेली रात में ही सिर्फ यूज़ करती है। तो अभी ये एक हफ्ते के बाद का पिक्चर है, आप देखो उसके जो पिंपल्स हैं ना बहुत सूख गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं, अभी थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा था इसको। तो हो गया ना यूज़ किया वो? एक सप्ताह अभी भी है, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा है अभी भी? नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं है, छोटा छोटा है अभी। अब मेरा तो चल रहा है, एक बॉटल पूरा करने पे ही शायद जाएगा, एक बॉटल खत्म ही। हाँ, एक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ इसका, ख़त्म होने पे पूरा कंप्लीट होगा, है ना? तो कंप्लीट होने के बाद अगेन आपको फिर से रिव्यू दिया जाएगा। तो अभी के लिए बहुत बहुत कम हुआ इसका पिंपल, सच में बहुत अच्छा। बहुत बड़ा हुआ था पूरा। हाँ, फेस पूरा बड़ा हुआ था और बहुत, मतलब पिंपल्स एकदम सूख के छोटा होगा नहीं फेस को, लेकिन बहुत ड्राई करता। फिर अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर यूज़ करना पड़ेगा, है ना? बहुत ड्राई करता है स्किन को। तो आपको एक अच्छा सा या तो सिटाफिल ले सकते हो और नहीं तो और कोई ऑप्शन। गाइस, पूजा का कहने का ये मतलब था कि आप ये सीरम जब भी यूज़ करो ना तो एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि सुबह ना जब वो सो के उठती है तो स्किन बहुत ड्राई और खिंची खिंची सी लगती है, इस वजह से। आगे और भी रिव्यू देते रहेंगे, अभी के लिए बाय, सब्सक्राइब, गुड नाइट, गुड, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट।